जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। बिहार के दो उप मुख्यमंत्री यानी अपने आप को काबिल नहीं समझते। बिहार में सियासी उठापटक के बीच तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश से बढ़िया कोई नहीं है। बिहार में अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अगर एनडीए के अंदर कोई चेहरा है तो वो है नीतीश कुमार। दरअसल तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और बीजेपी के ऊपर हमलावर थे, तंज कस रहे थे। पटना पहुंचे तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बीजेपी के नेता बिहार के अंदर बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ कर रहे हैं बिहार के मंत्री, योगी मॉडल की चर्चा बिहार में कर रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों के बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, नीतीश कुमार से बढ़िया उनके पास मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। और यही वजह है कि एनडीए की तरफ से बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को आगे किया जाता है। नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे एनडीए चुनाव लड़ती है, खासतौर पर भाजपा चुनाव लड़ती है, और अब भाजपा को नीतीश कुमार ही सहारा दे सकते हैं। दरअसल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद से बीजेपी ने दो दो उप मुख्यमंत्री बिहार में बनाया है, और इन दोनों उप मुख्यमंत्री को लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि बिहार के अंदर कोई भी चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार के सामने बीजेपी में दो दो उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कोई चेहरा बीजेपी आज तक नहीं खोज पाई है। ऐसे में बीजेपी के लोग क्या करेंगे? वो मानते हैं कि वो किसी काम के नहीं हैं। तेजस्वी यादव से जब कहा गया कि बीजेपी के तरफ से सवाल उठ रहा है कि बिहार में उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो लागू किया जाए, योगी मॉडल लागू किया जाए, बुलडोजर मॉडल लागू किया जाए, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसी सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है कि वो किस काम के हैं, वो काबिल नहीं है, उनके पास कोई काबिल चेहरा ही नहीं है। इस बात को भाजपा अच्छे तरीके से जानती है, और खुद बीजेपी के दो दो उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार में हैं और वो भी ये बात को समझ रहे हैं कि वो काबिल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो काबिल होते तो उनके पास उनका अपना मुख्यमंत्री का चेहरा होता, लेकिन उनके पास अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के ऊपर काफ़ी हमलावर हैं। हाल के दिनों में जो सियासी उठापटक हुआ है उसमें भी बीजेपी की एक धड़ा नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजना चाहती है, तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के सहारे ही बिहार में सरकार चलाने के लिए आमादा है। हालांकि इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात की चर्चा जरूर की थी कि अब बस राज्यसभा ही बचा है, इसे लेकर बीजेपी के अंदर भी ख्याली पुलाव है वो पकने लगी थी। लोग ये सोच रहे थे कि क्या बीजेपी के हवाले नीतीश कुमार बिहार कर देंगे और खुद दिल्ली चले जाएंगे। बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे की चर्चा भी खूब होने लगी, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे के आगे किसी और चेहरा का दम नहीं दिख पाया। बीजेपी के अंदर नीतीश कुमार के मुकाबले कोई और चेहरा है ही नहीं और ना ही दिख रहा है। कई नाम सामने आए, लेकिन सब नीतीश कुमार के आगे उनकी कद काफ़ी बौनी हो गई। जिन चेहरों की चर्चा बीजेपी और जेडीयू के नेता कर रहे थे वो चेहरे भी नीतीश के सामने अपने आप को काफ़ी बौना समझने लगे और बोले कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे, बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, हमें मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए किसी और चेहरे की ज़रूरत ही नहीं है। और अब दूसरे तरफ अब योगी मॉडल की चर्चा कर बीजेपी के नेता फंस गए हैं। तेजस्वी ने तंज कसा है, सुनिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं है, नीतीश कुमार से ज्यादा काबिल कोई नहीं है। अपने आप को यानी काबिल नहीं समझते, बिहार के दो उप मुख्यमंत्री यानी अपने आप को काबिल नहीं समझते, तो अगले बार जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई काबिल ही नहीं है। यानी ये बीजेपी वालों ने साबित कर दिया कि कोई किसी भी बीजेपी के नेताओं में मुख्यमंत्री पद की या काम करने की किसी में काबिलियत नहीं है। अब जिस राज्य में दो उप मुख्यमंत्री हो, केंद्र में सरकार हो और सबसे बड़ी पार्टी हो, एक भी कोई काबिलियत ही नहीं है। यानी वही
कर रहे हैं तो हाथ खड़ा करना हुआ ना, सरेंडर्ड। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।